गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर कीपिंग गुड हेल्थ. एज यू ऑल ऑलरेडी नो दैट ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसेस वी आर नॉट एबल टू मीट ईच अदर. यस ना? डू यू ऑल मिस द स्कूल? आई नो दैट एवरी स्टूडेंट मिस द स्कूल. आई थिंक एवरी वन इज एक्साइटेड फॉर देयर वेकेशन ऑल्सो. यस, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. पर चलो, एवरीथिंग असाइड, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ लिटिल आर्ट वर्क? I don't think it will hurt. Yes, na? Okay. Let's start different activities. First activity is spray painting. Spray painting में मैं आज आपको spray painting कैसे करते हैं ये बताने जा रही हूँ बच्चों. सबसे पहले आपने क्या करना है, different types के leaves ले लेनी है. उनको मैंने जैसे ये आपके सामने leaf ले रखी है, ठीक है. आप कोई भी shape की leaf लो और उसको एक sheet पे adjust करो. Different साइड्स पे डिफरेंट पोज में उसको लगा दो. उसके बाद आपने पोस्टर कलर्स लेने हैं एंड वाटर, ठीक है. एक रैक भी अपने पास जरूर रखना बच्चों, उससे ब्रश वगैरह साफ करना पड़ता है ना, तो रैक आपके पास होना चाहिए. ओके, देन स्टार्ट. आपने क्या करना है, इसको ब्रश को पानी में डालना है. देन आप कोई भी कलर उठाओ, से आपने रेड लिया, मोटा मोटा ही कलर लगाना है बेटा, थिक थिक कलर लगाना है. बिल्कुल भी जैसे पानी वाला कलर नहीं आपने यूज करना. ये हमने कलर लगा लिया, ठीक है. थोड़ा सा इसको इसके अंदर इस तरह करो कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए. देन आपने इसको स्टार्ट करना है. मैं यहाँ पर जैसे एक लीफ के पास रेड कर रही हूँ. मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगी, आप चाहे वन कलर भी यूज कर सकते हो, एज यू विश, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. देन अगेन आपने कोई दूसरा कलर लेना है, जैसे मैंने ग्रीन ले लिया, मैंने इसके ऊपर ही लगा लिया. देन जैसे आप सेकेंड लीव है, मैं उसमें ग्रीन कलर का यूज कर रही हूं. ये थोड़े कम स्ट्रोक्स आ रहे हैं ना, आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा वाटर लगेगा. देन उसके बाद अगेन ग्रीन कलर लगा दो आप. एक बार ब्रश को फिर से इस तरह से कि सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए. देन उसके बाद थोड़ा पेशेंस के साथ वर्क करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. देन अगेन आप कोई और कलर यूज कर लो, चाहे तो आप ब्रश धो, ब्रश को भी थोड़ा वॉश कर लो, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल दो. देन अब मैं येलो कलर यूज करने जा रही हूँ. कलर हमेशा थिक ही आपने लगाना है. आप देख सकते हो इसके बहुत अच्छे स्ट्रोक्स आ रहे हैं. देन इसके बाद आपने दोबारा से थोड़ा सा रेड कलर यूज करूंगी मैं.
एक रैक बेटे अपने पास आप लोगों ने जरूर रखना है। बेटा अब मैं आपको लीफ को ओपन करके दिखाऊंगी। जब हम लीफ हटाएंगे तो लाइक दिस दिस वन एंड ये आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर पैटर्न आपके सामने आ गया। अब आप इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कोटेशन लिख सकते हो, आप प्रोजेक्ट फाइल यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई चार्ट्स जैसे आपको आगे मैम चार्ट्स देते हैं क्लास के लिए बनाने के लिए, आप उसमें भी आप इस तरह का मेथड यूज कर सकते हो।